मछलियों को आप आटे की गोलियां डालते हो मछलियों को, तो कहते हैं कि गुरु का कैसा भी गति बुरा हो, वक्र हो, देव गुरु बृहस्पति जो कुंडली में है, मछलियों को आटे की गोली डालो, कुछ ही दिन में आपकी वो ग्रह दशा सुधर जाती है। कैसे होगा? आटा तो हमने किसको डाला भाई? तो आवाज खोल लिया तो यहां आके देख ले एक बार। ये कैसे होगा भाई? मछली को आप दाना डाल रहे हो और आपका देवगुरु ठीक हो जाए, ये कैसे होगा? अभी यहां हाथ लगाएंगे तो यहां दर्द होगा, ऐसे हो सकता है? यहीं तो दर्द होगा, यहां जोर से दबाएंगे तो यहां कैसे दर्द होगा? प्रकृति का नियम है कि आप किसी जीव को तृप्त करते हो तो वो जीव जो तृप्त होता है उसकी तरंगे जहां पहुंचनी है वहीं पहुंचेगी, वहां से जो वापस तरंग आएगी वो देव गुरु बृहस्पति की ही तरंग होगी आपके पास। इसलिए गाय को घास डालने का अलग फल बताया है, कौवे को डालने का अलग ही फल बताया, मछली का डालने का अलग फल। लोग पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता, मैं यहाँ मछली को खिला दूं, कौवे को खिला दूं, मैं कौवे को खिला दूं मेरे पितृ प्रसन्न हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हर एक चीज का एक प्रतिक्रिया होता है, लेकिन वो प्रतिक्रिया आपने जैसे कि उस लायक का होता है। आज के तारीख में कई लोग देना ही नहीं मानते, और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, लेकिन मनोविज्ञान कहता है। देखो आजकल कई लोग होटल जाते हैं, दोस्त मिलके होटल में खाने जाते हैं, पहले से तय कर लेते हैं कि अपना अपना बिल अपन चुकाएंगे, साथ में जाएंगे। ऐसे कई लोग जाते हैं कि नहीं, पहले से ही एक अग्रीमेंट जैसे होता है, एक अग्रीमेंट ऐसे हो जाता है कि हम सब जाएंगे साथ में, तेरा बिल तू चुकाना, मेरा बिल मैं चुकाऊंगा। साइकोलॉजी कहता है कि ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते जो अपना पैसा चुकाता। एक आदमी साथ में चल रहा है, वो मेरा परिचित है, वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, तभी तो वो मेरे साथ चल रहा है। अनजाना व्यक्ति कोई साथ चल सकता है? ये मेरा है तभी तो वो साथ चला। मेरे एक व्यक्ति के लिए मैं 10 रुपया खर्चा नहीं करूंगा, ये जब तक विचार है तेरे समृद्धि का द्वार नहीं खुलेगा, ये गारंटी की बात है। 4 लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा, मनोविज्ञान कहता है 4 लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। एक तो कहीं घूमने जाए ना, अपना अपना खर्चा खुद करें, वो खुद को होशियार समझता है। लेकिन ऐसे होशियार लोगों को देखना, अंतिम जिंदगी के कगार तक जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो ज्यादा होशियार है ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो ये कौन, पहले वाले कौन, जो अपना अपना खर्चा खुद करें। दूसरा व्यक्ति, होटल जाए तो मुझे खर्चा करने पड़ेगा, ये सोच से जाने ही मना कर देगा, ये व्यक्ति भी है। नहीं भाई, आज तो पेट भरा हुआ, आज मैं नहीं आऊंगा। सोचे कि 5 लोग साथ में जाएं और खाएं तो 5ों का कहीं मुझे चुकाना ना पड़ जाए, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए वो क्या कहेगा, मना करेगा कि नहीं? ये भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये ध्यान में रखें, आप किस कैटेगरी में हो, कथा में आए हो, इन कैटेगरी में हो तो आज ही मुक्त कर दो। गुरुदेव फालतू की बात करेंगे ही नहीं, गुरुदेव खर्च भी कराएंगे तो 10 गुना आने का रास्ता होगा, तभी खर्च कराएंगे। जय जय गुरुदेव। नहीं तो गुरुदेव फालतू में खर्च कराएंगे ही नहीं। सत्य वचन गुरुदेव। पहला आदमी वो जो कहीं भी जाए तो मेरा जितना है मैं चुकाऊंगा, तेरा तू चुकाना। ऐसे आप में कहीं बैठे हैं, ऐसे आप में कहीं बैठे हैं, तेरा तू खर्च ले, मेरा मैं खर्च ले। जो तेरा मेरा करता है वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दिल जब खोल देता है तो प्रकृति उसके लिए खजाने का द्वार खोल देती है, ये नियम है। जय जय गुरुदेव। तेरा मेरा कोई भी आदमी बता जो तेरा मेरा करे लेकिन अंबानी बना है, ऐसा एक आदमी बता दे जो तेरा मेरा करता है, अदानी बन गया भाई, बड़ा आदमी बन गया। तेरा मेरा जो मूत में मछली पकड़ेगा वो मरा हुआ मछली पकड़ेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मछली पकड़ना तो समुद्र में, तू एक इडली डोसा में क्या बचा लेगा किसी को खिला के? बचाना हो तो 10,000 करोड़ बचने की कोई तरीका हो तो ढूंढ। एक आदमी को खिला के तू 50 रुपया बचा देगा, उस 50 से तो तू कभी सुधर नहीं सकेगा जीवन में। मैंने 2 व्यक्ति बताए, पहला व्यक्ति तो वो
जो हर बात में तेरा हिसाब मेरा हिसाब अलग अलग ऐसे कहता है। क्या कहता है? अलग अलग। मुश्किल है भाई, इसमें बोलना मुश्किल है। और ये दो भाई आए हैं, कुछ भी कहें राम जाने इनको कौन समझाएगा, कुछ मुश्किल का काम। कल अच्छाई अभी खराब ही रोज होता तो बात अलग, भाई खराब है कह सकते हैं। कल अच्छाई सुनाई दे रहा था, मनमानी करेंगे। अभी देखो दूसरा व्यक्ति ऐसा जो जाएगा ही नहीं, सोचेगा कि जाऊं तो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति को मालूम पड़ गया, तीसरा कौन, जिसको मालूम पड़ गया अगर ये खिलाएगा यही आज पैसा देने वाला है तो डबल खाने वाला, ये तीसरा आदमी है। उधर जाके जो रोज नहीं खाएगा वो चीज भी ऑर्डर देगा, आज तो होटल में पराठे बहुत अच्छे बने हैं, आज होटल में पनीर की पालक अच्छी बनी है, ऐसे यानी समझ लेना का फोगटिया है, इसको फोगट के मजे लेने हैं। ये भी कभी बड़ा नहीं बनेगा। कौन कौन इसमें, आप कौन कौन हो देख लो, तराशो। अगर ऐसा कुछ है तो आज ये गुण सुधार दो, क्योंकि जब तक हम पैसे संबंधी बातों का हिसाब किताब करेंगे प्रकृति भी आपको देने के लिए हिसाब किताब करती ही रहेगी, बराबर व्यवस्थित करेगी प्रकृति। जब तक आप हिसाब किताब करते हो प्रकृति भी करेगी वो हिसाब किताब। जैसे आप हो वैसा आपका जीवन होगा, जैसे आपके विचार हैं वैसे आप समृद्धि और सुख प्राप्त करोगे। ज्यादा होशियारी दिखाओगे समृद्धि में, आज तक इस दुनिया में जो भोलेपन से खर्च किए वही बड़े आदमी बने हैं, ये होशियारी से कंजूसी किया वो बड़े आदमी बने नहीं। जो भोलेपन से खर्च किए वो बड़े आदमी बन गए, जो कंजूसी करके समेट समेट के रखा वो जहाँ है वहीं बैठा है। या तो वो आगे नहीं बढ़ेगा या बढ़ा तो भी वो धन उसको सुख नहीं देगा, दोनों में एक बात गारंटी है। खाली धन चाहिए के सुख भी चाहिए। तो तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं जो देखते हैं कि भाई वो खिलाएगा तो भरपूर खाओ। चौथा कौन महाराज? चौथा वो जब बिल देने का टाइम आए ना तब हाथ धोने के लिए जाएगा वॉश बेसिन बाथरूम की तरफ, भरपूर बैठ के खाएगा व्यवस्थित। जब ही बिल आएगा तो उठ के जाएगा हाथ धोने, उधर से ही दर्पण जो बाथरूम में दर्पण लगा है काउंटर दिखेगा होटल का, वहां से देखेगा कि फलान चंजी चुका दिए, उसके बाद ही इसका हाथ धुलेगा, उसके बाद ही पहुंचेगा ठिकाने। है कि नहीं ऐसे लोग बताओ आप? सत्य ये सब होशियार नहीं है, मूर्ख हैं। ये कौन है? मूर्ख। तुम समझोगे कि ये होशियार लोग हैं, देखो कैसे पैसे बचा लिए। इधर बचाने की बात नहीं है, ये घुमाने की बात है। जब आप देते हो तो लेने की ताकत बढ़ाते हो ना, जब छुपाते हो तो लेने के रास्ते बंद करते हो आप जीवन। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। इतना ध्यान रखो कि भाई मुझे मेरी मस्ती से जीना है, पहले पैसा जरूरत नहीं है मस्ती जरूरत है। जिस दिन मस्ती आ जाएगी खाने की खर्चने की जीने की जी के दिखाने की, उस दिन पैसे भी आ जाएंगे जीवन में। जय जय गुरुदेव। और मस्ती आना है, क्या आना है? मस्ती। हमारे में मस्ती नहीं है, वो 100 रुपए को बचाने के चक्कर में इतनी छाती घट करते हैं कि रोम रोम बंद हो जाते हैं। जब ये रोम द्वार अपनी होशियारी से बंद हो जाते हैं समृद्धि के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तुम में सब ऐसे हो, कुछ ना कुछ लाग लपेट रखते हो, भाई 4 लोगों के साथ क्यों जाएं। आजकल लोग अकेले रहने में बहुत मजा लेते हैं, भाई हम अकेले ही ठीक हैं, फालतू किसी के साथ रहेंगे खर्च होगा। लेकिन 10 लोगों के लिए खर्च करने की जिस दिन मन में आ गई तो 1000 लोगों के लिए खर्च करने की ताकत भगवान आपको दे देंगे उस दिन। मैं देखो कितना भंडारा करता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में कम से कम 5 करोड़ लोग खाए होंगे। काशी में जब प्रोग्राम किया आपने देखा होगा, रोज 80,000 से 1 लाख लोग तो रोज खा रहे थे, हमने किसी से पैसा थोड़ी लिया। 5 करोड़ लोग खाए होंगे, 5 पैसा मांगना नहीं पड़ा, अपने आप आता है, अपने आप आता है। जब देने लगोगे तो आएगा,
पकड़ने लगोगे तो जाएगा। ये ध्यान रखने जैसी बात है कि मेरे जीवन में कैसे जी रहा हूं। आपको बहुत जरूरी है जीवन जीने का तरीका। आज मैं यही सोचा कि इनको समझाऊंगा कि देना शुरू करो, देना शुरू करो। कैसे कैसे दूं? अभी आपको मैंने ये नहीं बोला, देखो जापान में एक संत हुए, जापानी जैन संत, जैन बुद्धिज्म एक अलग है, बुद्धिस्टों में अलग अलग सिद्धांत हैं, उसमें एक जैन बुद्धिज्म है, ZEN जैन, क्योंकि अभी इतने समझदार भी नहीं आए सभा में, कैसे बोलूं, ऐसे मेरे को समझ आ जाता है, परेशान होता हूं। अभी आप देखो महाराज कि ये जैन बुद्धिज्म में एक साधु ऐसे हुए हैं, बड़े त्यागी, बड़े महात्मा, बड़े यू नामी नामचीन जापान के, रोड में कोई भी जावे, ये रास्ते में जा रहे हैं तो उससे एक पैसा मांगे, क्या मांगे, कोई भी जाए एक पैसा मांगे, कोई भी जाए एक पैसा मांगे, हर एक से एक पैसा मांगे। अभी एक दिन लोगों ने कहा महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, गुणी हो, बड़े संत पुरुष हो, त्यागी हो, आप तो कोई वस्तु रखते ही नहीं हो, फिर इनसे पैसा मांग के एक एक पैसा एकत्रित क्यों करते हो, ये पैसा इकट्ठा करने का आपको क्यों भूत सवार हुआ है? तो महाराज कहते हैं, वो बुद्ध सन्यासी कहते हैं, भाई इनसे पैसा मांग के मैं कहाँ पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये लोग सोच रहे हैं कि पैसा रखने से पैसा बढ़ता है, मैं इनसे एक एक पैसा लेके इनका पैसा बढ़वा रहा हूँ, क्योंकि ये देना सीखेंगे तब बढ़ेगा, ये देंगे तब बढ़ेगा, और ये देंगे नहीं तो वैसे ही रह जाएगा, तो मैं आशीर्वाद ऐसे कैसे दूं, इसलिए मैं आशीर्वाद देने के लिए इनसे पैसा लेता हूं, जब भी ये देते हैं इनकी समृद्धि बढ़ती है, और ऐसे मैं इनका समृद्धि बढ़वा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं वो संत। क्या कर रहे हैं? वो पैसा ले नहीं रहे, उनको अनंत गुना बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, आशीर्वाद देने से देने से देने से। देखो हमारे दक्षिण में एक बड़े एक कलाकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका नाम था NS कृष्ण, बड़े पुराने चित्रों के कॉमेडियन हुए हैं। आज उनके नाम में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इमारत, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के लगाई है। क्या वो बड़े कलाकार थे इसलिए लगाई? बड़े दानी थे वो, है कोई भी सामने आके खाली नहीं जा सकता था, किसी कारण से किसी शत्रु ने उनको षड्यंत्र से कोई हत्या केस में फंसा दिया, करोड़ों कमाने वाला कलाकार था, लेकिन जेल में जाना पड़ा तो मुकदमे में मुवक्किलों में पूरा खर्चा करके देवालिया निकल गया। जब वो जेल से वापस लौटा हुआ आदमी, हाथ में कुछ नहीं था, उदारी हो गई, उल्टा हो गया, जो करोड़ों में खेलने वाला प्रसिद्ध कलाकार था, गली में आके खड़ने की नौबत आ गई, घर में बैठा है, पत्नी पास में खड़ी है, पत्नी ध्यान रखे कि ये आदमी बड़ा देने वाला है, कहीं उल्टा सीधा दे के और नुकसान न कर दें, पत्नी पास में ही खड़े ध्यान दें। एक आदमी आया, अंदर घुस के कहता है साहब 100 रुपये की तकलीफ है, 100 रुपये दीजिए ना। अब ये खुद ही डूबा हुआ है, जेल जाके आया है, करोड़ों रुपया जेल में खर्चा कर दिया, नुकसान हो गया, एकदम इतना दुखी है कि पूछिए मत उसके मन की दुख की हालत, क्योंकि वर्षों तो जेल में बिताए पड़े पड़े, पैसे तो गए ही, इज्जत भी गया, कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया भर के शत्रु, अब उसका मन कैसा होगा महाराज? अब उस समय में आप हो उस जगह और कोई आके पैसा मांगने आए तो आप क्या बोलोगे महाराज? बोली क्या बोलोगे? जा भाई मैं ही मिला तुझे पैसा मांगने, जा रास्ता देख, मैं ही अपने ठिकाने हूं, बोलोगे कि नहीं? ये सोचे कि 100 रुपया तो देना है, कैसे भी दे दूं, 100 रुपये का क्या है, कैसे भी दे दूंगा 100 रुपये तो, मेरा गर्दन काटना पड़े तो चले, लेकिन मांगने कोई गरीब आया उसको मना कैसे करूं, ऐसे सोचता है। लेकिन पास में पत्नी खड़ी है, वो देने नहीं देगी, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, कन्नाम्बा करके, बहुत बड़ी, मधुरम उसका नाम था, मधुरम लेडी, पति पत्नी दोनों एक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध दक्षिण के। तो देखे कि पत्नी देने नहीं देगी, अब कैसे करें? उस आदमी को इन्होंने बोला, देख भाई पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कचरा डब्बा है ना, इसको बाहर डाल के, कचरा डाल के, बराबर देख के डालना, कचरा डाल के जा तू, ऐसे
वो सोचे 100 रुपया मांगने आया, 100 तो दिया नहीं, मेरे से कचरा डलवाएगा, बड़े गुस्से से। लेकिन अब बोला है तो क्या करें, ये कचरा डब्बी ले जाके बाहर उंडेला, बोला था कि देख के डालना, देखा तो उसमें 100 रुपये का नोट डाल के बाहर भेजा था। पत्नी को भी मालूम ना पड़े लेकिन दान देना ही है, ऐसे लोगों की कहानी, वो मर के कहीं 50 साल हो गए, आज भी अमर हो गया नाम, इसलिए मैं ये सभा में बता रहा हूं। अगर अमर नहीं होता वो नाम, उसका उल्लेख कौन करता भाई? जेब में रखे हुए कंजूसों की गुणगान नहीं की जाती, ऐसे लोगों की गुणगान होती है जो खुद को खाने तकलीफ पड़े लेकिन 100 रुपया कचरा डब्बी में डाल के भेज दिया। उसका नाम देखो आज भी लिया जाता है, देते हैं तो मिलता है, जरूरी नहीं कि वो पैसे के रूप में ही वापस मिलेगा। वो मर गया है, आज भी यश के रूप में उसके दिए हुए पैसे वापस मिल रहे हैं, हम जैसों के मुख से शब्द बन के मिल रहे हैं, आज भी मिल रहा है वो ब्याज। कब का मर चुका होगा, कब का खत्म हो चुका होगा, व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर का आदमी अब कहाँ रहेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में एक्ट करने वाले आदमी का, आज तक वो 100 रुपये की बात चल रही है, यानी कितना ब्याज मिल चुका होगा उसको, देखो दिए हुए का। एमएस सुब्बुलक्ष्मी का नाम कितने लोग जानते हैं, जो सिंगर थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, शास्त्रीय संगीत में आज विश्व की धरोहर बनी, हमारे भारत सरकार ने जो अमूल्य सम्मान है भारत रत्ना, भारत रत्ना से एमएस सुब्बुलक्ष्मी का सम्मान किया, इतनी बड़ी गायिका हुई है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। शास्त्रीय संगीत में आज बालाजी का जो तिरुपति बालाजी नाम सुना होगा, उसका जो सुप्रभातम है, सुबह सुबह भगवान को उठाते हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बालाजी का सुप्रभातम, इसको गाने वाली एमएस सुब्बुलक्ष्मी ही है। आज करोड़ों घरों में दक्षिण में ये रोज सुबह चलता है सुब्बुलक्ष्मी का गीत। इनके पति हुए हैं सदाशिवम, जो बहुत बड़े साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे एक जमाने में। साप्ताहिक पत्रिका निकालते समय इतना नुकसान हो गया कि पत्रिका कैसे चलाएं, ऐसा हो गया हालत। लेकिन पत्रिका बंद कर दें तो करोड़ों का नुकसान हो जाए, चलाएं तो हर हफ्ते लाखों का उधारी लेना पड़े, तो उधारी ले लेके चला रहे थे। कब डूब जाएंगे कोई गारंटी नहीं, कब डूब जाएंगे, कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं। हर हफ्ते लाखों रुपया आज से 50 साल पहले उधारी लेके पत्रिका चला रहे थे। कितना उधारी? एक दिन उनके ऑफिस में उनके काम करने वाला एक कर्मचारी आके सदाशिवम को नमस्कार करता है, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, आप 50,000 देंगे तो मेरी घर की शादी अच्छे से हो जाएगी, आपके यहाँ 15 वर्षों से काम करता हूँ, आपके भरोसे ही हूँ साहब। सदाशिवम ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट को बुला के बोला इसको 50,000 दे दीजिए। अकाउंटेंट बोलिया कि जेर खाने भी पैसा नहीं है, आपको मालूम है कि हम तो उधारी लेके चला रहे हैं, हम ये उधारी लेके काम चला रहे हैं, आप इसको 50,000 देने बोल रहे हो, हम 50,000 कहां से लाएं? अगर दे भी देंगे तो हमारे को और 50,000 की नुकसान हो जाएगा। सदाशिवम ने कहा देख हर हफ्ते कितना ले रहे हैं, ओके 5 लाख हर हफ्ते अभी उधारी लेनी पड़ रही है पत्रिका चलाने के लिए। तो सदाशिवम कहते हैं कि ये मेरे भरोसे इधर काम करता है, इसकी बेटी के शादी में सहयोग करना मेरा धर्म है, और मेरा कितना भी नुकसान हो मैं इसको नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर मैं हर हफ्ते 5 लाख किसी से उधारी ले सकूं, इतनी ताकत रखता हूं, तो 5 लाख 50,000 लेने की भी ताकत रखता हूं, 50,000 दे दो इसको। समझ रहे हो मेरी बात? आपके जीवन को टटोल के देखना कि जिंदगी कैसी है। अगर आप दुखी हो रहे हो कहीं ना कहीं से,
तो अंदर के आपके स्वभाव और सिद्धांत आपको दुखी कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि तू पूरी दुनिया पर लुटा दे, दुनिया खुश रहे। धर्मशास्त्र कहता है कि दुनिया पर जब तू लुटाएगा तू खुश रहेगा। ध्यान रखना, तेरी खुशी के लिए धर्मशास्त्र दान करने कहता है, सामने वाले की खुशी के लिए नहीं है। इसमें खुशी आपकी बढ़ेगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। जब भी आप देना शुरू करते हो, लेने की ताकत आपकी बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? कभी कोयम्बतूर गए हो? कौन गए हैं कोयम्बतूर? दक्षिण का भारत का मैनचेस्टर माना जाता है, इंडिया मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर है, तमिलनाडु का कोयम्बतूर। उसमें एक कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है आज के तारीख में, PSG कॉलेज। बहुत ही प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सभी फैकल्टीज हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है। कॉलेज के जो मालिक थे ना, वो जब मरे तो जो उन्होंने विल लिखा, मरते समय लिखते हैं ना एक मरण पत्र, तो विल लिखा उस समय उन्होंने जो लिखा, सुनो तो हैरान हो जाओगे कि मेरे चार पुत्रों के नाम, उनके चार पुत्र थे, उन्होंने लिखा कि मेरे चार पुत्रों के नाम चार पांती करता हूं। कितने पांती? मेरे धन के पांती करने हैं भाई, चार पुत्र है चार पांती, लेकिन मेरे साथ चलने वाले धर्म एक पुत्र है मेरा, उसके नाम एक पांती करता हूं, मेरा एक पांती धर्म में खर्चा होगा, ये मेरी इच्छा है। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि धर्म के नाम एक पांती, धर्म मेरा एक पुत्र है उसके नाम में एक पांती करूंगा, ये शब्द समझिए। धर्म मेरा एक पुत्र है, आपके लिए धर्म खिलौना है। गुरुजी के पास आ जाएं, उपाय सीख लेंगे तो धनवान बन जाएंगे, वीडियो देख लेंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे, मुद्रा सीख लेंगे तो अरबोपति बन जाएंगे। अरे नालायको, स्वयं के लिए संत लोग कुछ नहीं सिखाते, संत लोग जो भी सिखाते हैं उससे आपके साथ साथ समाज का कल्याण होगा, ये सोच के सिखा रहे हैं। तुझे स्वार्थी बनने गुरुदेव कुछ नहीं सिखा सकते, ऐसे स्वार्थी बनाएंगे तो फिर हमारा संत चोला खराब हो जाएगा तुमको स्वार्थी बनाने। लेकिन आते ही स्वार्थी हैं भाई, हमको ये मुद्रा मिल जाएगी, ये मंत्र मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी, हम कुछ बन जाएंगे। तुम कुछ बन तभी पाओगे जब तुम कुछ दे पाओगे, फिर कुछ बन पाओगे तुम जीवन में। सत्य, जब ये हाथ ऐसे होगा तो ऐसे लेने की ताकत बढ़ जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा। एक आदमी मरते समय लिखता है कि मेरे चार पुत्र हैं, पांचवा पुत्र है मेरा धर्म, और पांचवे पुत्र के नाम भी एक पांती करके जाता हूं मैं। क्या करके जाता हूं? आप भी आज ये प्रेरणा ले लो, जब जिस दिन शरीर छुट्टी होगी ना, आगे के रास्ते में जाने का भाते के रूप में धर्म के नाम भी कुछ करके जाना, जीवन सफल होगा। धर्म के नाम भी कुछ व्यवस्था कर लेना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी अनंत जन्मों तक रक्षा करेगा। जय जय गुरुदेव। क्या करेगा? धर्म रक्षा करेगा। हाँ, देने से बढ़ेगा, आपको लगे कि रखने से बढ़ता। शास्त्र कहता है जैसे जैसे तू देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। अर्जुन को एक बार गुस्सा आ गया, हे कृष्ण, कर्ण को तुम बोलते हो बहुत बड़ा दानी है, क्या मैं नहीं दान कर सकता? मैं भी दानी हूं, मैं भी दान दे सकता हूं, ये कर्ण को इतने बड़े महादानी क्यों कहा जाता है, क्या मैं दानी नहीं हूं? कृष्ण कहते हैं दानी तो कर्ण ही होगा। कृष्ण के मुंह से ये सुनते ही और गुस्सा आ गया, दानी कर्ण होगा, क्या मैं नहीं हूं? तुम ही ऐसे बोलते हो मेरे सखा होके, बराबर बोलो। कृष्ण वापस कहते हैं दानी तो कर्ण ही होगा, हम दोनों को रख के परीक्षा कर लो, मैं भी दान बड़ा कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा दो सोने की पाड़ मैं बना रहा हूं, मेरी माया से दो सोने की पाड़ बनेगी, एक पाड़ तू दान कर, एक पाड़ वो दान करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर पूरा पाड़ काट के दान करके खाली करना, जो पहले करेगा वो बड़ा दानी होगा। अर्जुन को लगा कि डंडोरा पिटवा दूंगा, पूरा गांव आएगा, सोना काट काट के दान करके पाड़ खाली कर दूंगा, लेने कौन मना करेगा।
अब सोना काटे तो कटे, ढंडोरे पिटवाए, पूरे हस्तिनापुर में लंबा लाइन लग गया और अर्जुन हजारों लोगों को रख के सोने का पहाड़ तोड़े और जो जैसे आया बड़े बड़े टुकड़े सबको दें, पसीना निकले लेकिन पहाड़ का हजार में एक अंश भी कम नहीं पड़े और सूर्यास्त का समय आ गया। सामने देखो तो और एक पहाड़ है, ये किसका है? हाँ, किसको दान करना है ये पहाड़? कर्ण को। उसका आने का भी पता नहीं दिख रहा है, ये तो सुबह से बैठा है, अभी तक हजार में एक अंश खाली नहीं हुआ, वो आया ही नहीं। अर्जुन हंस रहा है कि मैं इतना काट के दिया फिर भी खाली नहीं हुआ, ये कर्ण कब आएगा न कब दान देगा, मैं ही जीता हूं, देखो मैंने खाली किया है। सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले कर्ण आया, साथ में किसी गरीब ब्राह्मण को साथ लेके आया, हाथ में पानी लेके नीचे छोड़ते बोलता है, ब्राह्मण जी संकल्प कर लिया कि ये पहाड़ आपका है, लेके जाइए, खत्म हो गया दान, ये पहाड़ आपका है, ले जाओ, कोई टुकड़ा करने का काम नहीं ना, डंडोरा पीटने का काम है ना, आदमी जोड़ने का काम, एक पहाड़ किसी को दे दिया, दान खत्म। अर्जुन का चेहरा झुक गया, नीचे हो गया और कृष्ण हंस रहे हैं कि दान देने के लिए सिकावट की जरूरत है ना भाई? नहीं है भाई, ये तो पुण्य से आता है, ये गुण पुण्य जब आता है तब ये सदगुण आता है, ये गुण कब आएगा? हाँ, सिका के नहीं आएगा, कभी कृपा हो जाए मैं सिका के नहीं आएगा, लेकिन मेरे बोलने से आप में सदगुण आ गए, ये आपके पुण्य में है तब आएगा, मेरे सिका के नहीं आएगा, आज से शुरू हो जाएगा। खुद को बढ़ाने के चक्कर में खूब धक्का खाए, खूब धक्का खाए। जापान में एक मछली है, जापानी मछली बहुत प्रसिद्ध है, वो मछली में ये गुण है। अभी देखो मछलियों की लंबाई चौड़ाई तो एक निर्धारित होती है कि नहीं भाई, आधा फुट की मछली तो आधा फुट रहेगी, एक फुट की मछली तो एक फुट रहेगी, दो फुट की मछली तो दो फुट रहेगी, तीन फुट की मछली तो तीन फुट। ये जापानी मछली ऐसी है, आप छोटे टैंक में रखो तो जितना टैंक है उतना बढ़ेगा, उससे ज्यादा उसको चिंता नहीं ना उसको दुख है। बड़े में डालो बड़ा बनेगा, समुद्र में तालाब में डालो वहां जितना बड़ा हो उतना बड़ा बनेगा। आज का मनुष्य इस मछली की तरह ही है, वो सदगुण सत्संग नहीं होने के कारण, श्रेष्ठ शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण छोटे टैंक की मछली की तरह फंसा हुआ है, उसके अंदर दम नहीं है। जब ज्ञान आएगा, देखो ये मछली जब बड़ी जगह गई कैसी हो गई, कैसी हो गई, खूब टक्कर खाए, ऐसे कर दें वैसे कर दें। मैं सबको हरदम कहता हूं कि आज जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति से हजार गुना छलांग मारने की कोशिश मत कर। ईश्वर ने तुझे सब शक्ति दिया है, इतनी शक्ति तू चाहे जो बन सकता है ठीक है, लेकिन सोवे मंजिल से कूदेगा तो क्या होगा मारा? अभी आप लोगों का सपना है ना अंबानी बन जाना, अदानी बन जाना, है कि नहीं बोलो? तो क्या कल सुबह अंबानी बन जाने जितने आपके पास कॉन्टेक्ट समृद्धि सभी प्रकार की सामर्थ्य है क्या? तो हमारा शास्त्र कहता है, अभी देखो मैं सरलता से समझाऊं कि कोई डॉक्टर कहता है, कोई डॉक्टर, कोई एकदम पेशेंट हिल भी नहीं सकता, बिल्कुल हिल भी नहीं सकता, ऐसे पड़ा है, उसको डॉक्टर कहें कि कल से इसको 10 किलोमीटर रनिंग कराओ तो करेगा? तो आपका यही काम है, आज की गति से अंबानी बनना, यानी पलंग पर पड़ा हुआ 10 किलोमीटर का रनिंग करना, है कि नहीं? तो इतनी उल्टी कल्पना मत करो, इससे कभी नहीं आगे बढ़ोगे। तो क्या करना, क्या है करना? ये है, अगर ऐसे ही पड़े हो तो पहले हाथ पैर हिलाना शुरू करो, थोड़ा आगे बढ़ो। अगर हाथ पैर हिलने शुरू हो गए, थोड़ा सा पलंग पर बैठने की कोशिश करो। अगर पलंग पर बैठना शुरू हो गया, सोफे पर बैठने, कुर्सी पर बैठना शुरू करो। जब कुर्सी पर बैठने जितने सामर्थ्यान हो गए, खड़े होने की कोशिश करो। और जब खड़े होने जितनी कोशिश हो गई, चलने की कोशिश करो। और जब चलने जितना सामर्थ्य आ गया, दौड़ने की कोशिश करो। और जब दौड़ने जितनी सामर्थ्य आ गई, तो 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगा लोगे। ये तरीका है। जय जय गुरुदेव।
आज ये नहीं कहता आपको कि 10 करोड़ रुपया दान कर दो, 10 रुपए 5 रुपए रोज दान करना शुरू करो। कितना? 10 रुपए 5 रुपए दान नहीं कर सकते, ऐसे कोई यहाँ नहीं है। महीने का 150 खर्च नहीं सकता, ऐसा यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला भी यहाँ से वहां जाने आजकल 100-150 रुपया लेता है, उसमें से 5 रुपया खर्च नहीं सकता। तो 5 रुपया तो कोई खर्च सकता है, आप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नियमित रोज दान करता हो। रोज खाने वाले कितने हैं नियमित? महाराज जितने बैठे हैं सगले ही नियमित खाते हैं, नियमित सोते हैं। हमको नियमित हमारे मन मुताबिक जीना है, खाना सोना फिरना। नियमित धर्म को नहीं श्रवण करना, नियमित धर्म का आचरण नहीं करना। जिस दिन नियमित धर्म को संभालोगे, धर्म नियमित रूप से आपको संभालना शुरू कर देगा। उस दिन धर्म आपको संभालेगा। आप धर्म को संभालो तब तो हो, 5 रुपया भी रोज दान करे तब तो हो। महाराज जी कल कोई आके मेरे को बोल रहा है, कोई बाहर का था, जमीन का व्यापार करता है। मेरे को तो क्या बोलेगा, मेरे पास कोई नहीं आ सकते। मेरे लोगों को बोल रहा है कि हमारे काम फंसे हुए हैं, अगर काम हो जाए तो महाराज जी का हमारे गांव में 10 करोड़ की कथा कराएं। अरे भाई तुझे कौन सोए हुए को उठ के 10 किलोमीटर कूदने बोल रहे हैं? पहले सोया हुआ है तो थोड़ा हिल के तो दिखा, उठ के बैठ के तो दिखा। आज की स्थिति से 5 रुपया भी दान करके दिखा, 50 करोड़ कराने की ताकत भगवान तो देख लेंगे कि कब दे। जय गुरुदेव। तू आज 500 रुपया रख के 5 नहीं दे सकता, तेरी क्या गारंटी है कि तुझे 500 करोड़ आने के बाद तू कुछ करेगा? तेरे पास टाइम कहाँ रहेगा फिर कुछ करने के लिए? सत्य वचन सद्गुरु भगवान। कब करेंगे हम सत्य कार्य, श्रेष्ठ कार्य कब करेंगे? थोड़ा आगे बढ़ना है, जहां भी आप खड़े हो आज थोड़ा आगे बढ़ना है। क्या करते हो आप में क्या नियम है? बराबर रोज गाय को घास डालने वाले 30 दिन कौन है? 300 दिन घास डालें, 300 दिन कबूतर को दाना, कौवे को दाना डालें, गाय को घास डालें, गरीब को रोटी डालें। एक नियम बना लो 5-10 रुपए का। नियम जब 10 रुपए का भी होगा, आपके जीवन के 10 दरवाजे जो बंद हैं उसको खोलने की ताकत रखेगा वो नियम। क्या करेगा, क्या करेगा? ऐसे लोग हैं भाई, देखो लोग आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसे ऐसे त्यागी इस संसार में हैं। केले का झाड़ देखा है आपने? केले का झाड़, अगला झाड़ कब आता है बताइए? केले का अगला झाड़ कैसे आता है? पहला कटता है, वो स्वयं कट के अपने संतान को जीवन देता है। आपको इतना भी नहीं कहता कि तू मर के अपनी संतान को आगे बढ़ा, जिंदा है थोड़ी राई जितनी भी सेवा कर ले, ऐसे बोलता हूं। जिंदा है थोड़ा राई जितनी सेवा कर ले, केले का झाड़ बन जाएगा तो कल्याण है। देखो भगत सिंह जी हुए, कोई भगत सिंह जी हुए हैं? उन्होंने अपने बच्चों के लिए फांसी खा ली, सही है? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए फांसी खा ली, सही है? अपना धंधा बढ़ाना था इसलिए फांसी खा ली, सही है? उधारी बहुत हो गई इसलिए फांसी, तो पेपर में आता है उधारी बहुत हो गई फांसी खा लिया, पत्नी से लड़ाई हो गई फांसी खा लिया। अरे वो भगत सिंह से थोड़ा सा अपने लिए उदाहरण ले लो, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई उदारी नहीं, कोई पत्नी से लड़ाई नहीं, कोई संसार से लेना देना। मेरी भारत माता आजाद हो जाए, पूरे भारत के लिए उन्होंने प्राण दे दिया, दे दिया। आप दे दो थोड़ा, एक उंगली दे दो, मेरे प्राण नहीं चाहिए, एक एक उंगली दे दो। जितने कथा में आए हो सब भारत के नाम से एक एक उंगली दे दो, नख दे दोगे ज्यादा से ज्यादा, ये लो नख हमारा ले लो, कल सुबह काटना ही था यही काट के फेंक के जाएं। हमारे पास त्याग नाम का कोई चीज नहीं, स्वार्थ नाम का पूरा चीज भरा है, और दुनिया भर के भगत का चोला पहन के पहुंच जाए सब जगह। यही चोला है, भगतों का चोला ऐसा होता है। भगत खाली धर्म को जानता नहीं है, धर्म को करता भी है, वही भगत है।
जय जय गुरुदेव। धर्म को जानने वाला भगत नहीं है, धर्म को करने वाला भगत है।